पुस्तक का नाम है डाई हंग्री, मतलब भूखे आपको मरना है। बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है। बात यह है कि कभी किसी ने पूछा कि पृथ्वी पे सबसे समृद्ध स्थान कौन सा है। किसी ने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन की बात की, किसी ने लंदन के वेस्ट एंड की बात की, किसी ने मुंबई में नरीमन पॉइंट की बात की। दुनिया का सबसे समृद्ध स्थान जहां 1,00,000 रुपए की 1 स्क्वायर फीट जगह भी मिलती है। बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है कि दुनिया का सबसे समृद्ध स्थान कब्रस्तान है, स्मशान घर है। आपको भी ताजुब लगता होगा, आपके चेहरे पे मैं आश्चर्य देख सकता हूं। हाउ कैन अ फ्यूनरल साइट बी द मोस्ट प्रॉस्परस साइट इन द वर्ल्ड। तब इसकी समझदारी दी है कि यहां कितने लोग ऐसे जलाए गए हैं जिन्होंने अपने मन में बड़े विचार कभी आए थे, वो कभी लिखा नहीं, किसी के पास पेश नहीं किए। अच्छे अच्छे संकल्प हुए थे लेकिन वो संकल्प कभी लिखे नहीं, किसी को कहे नहीं। वो विचार, वो संकल्प अपने मन में रखते हुए वो मर गए। इसलिए ये विचारों की और संकल्पों की भूमि है, इसलिए पृथ्वी पे सबसे समृद्ध भूमि है। ये विचारों की और संकल्पों की भूमि है। यहां बहुत विचार दबे हुए हैं मानव जात के उत्कर्ष के लिए, फ्रॉम पर्सनल सक्सेसेस टू कम्युनिटी ग्रेटनेस। बहुत विचार यहां दबे हुए हैं, बहुत संकल्प यहां जले हुए हैं, इसलिए यह सबसे समृद्ध भूमि है। सो अगेन माई फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, एल्विन टॉफलर द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन राइट्स दैट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। इसमें से एक प्रैक्टिकल बात यह मत समझ लेते हैं और करने की नींव लेते हैं कि हर रोज रात को एक अच्छा विचार अपनी नोटबुक में लिखना। लिखते रहना, लिखते रहना, उसमें से कभी कोई विचार में ताकत आ जाती है, उसका समय आ जाता है। और अंग्रेजी में, मैनेजमेंट में या सोशल सर्कल में, सेवा भावना में एक अच्छी बात लिखी है, दैट नोबडी कैन स्टॉप द आइडिया व्हेन इट्स टाइम हैज कम। जो विचार, जो संकल्प का एक समय आ गया है, फिर वो विचार और संकल्प को कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम, दैट नोबडी कैन स्टॉप द आइडिया व्हेन इट्स टाइम हैज कम। जो विचार, जो संकल्प का एक समय आ गया है, फिर वो विचार और संकल्प को कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। एक समय आ गया, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो हम बात कर रहे हैं संकल्प से सफलता तक। उसमें प्रथम यह बात हमने समझी, दूसरी बात, विचार करते करते कोई संकल्प उठा, प्रगति का संकल्प, सेवा का संकल्प, स्वयं उन्नति का संकल्प, अध्यात्म मार्ग में कोई संकल्प, सामाजिक क्षेत्र में कोई संकल्प, वो संकल्प की पूर्ति के लिए छोटी सी प्रवृत्ति तुरंत चालू कर देना। दिस इज माई पॉइंट नंबर 2। आप बोलेंगे कि पैसे नहीं है, मानते हैं। आप बोलेंगे कि व्यवस्था कम है, चलो मान लेते हैं। आप बोलेंगे कि साथ सहकार कम है, चलो मान लेते हैं। लेकिन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे उस संकल्प की पूर्ति के लिए आप छोटी तो प्रवृत्ति कर सकते हो ना, दो व्यक्ति को बात तो कर सकते हो ना। ये प्रोग्रेस अलायंस चालू हुआ, किसी के मन में कोई विचार आया होगा, 2-5 लोग इकट्ठे होंगे, साथ में रहे, बातचीत की, चर्चाएं की, और इसमें से एक व्यापक स्वरूप आज हम देख रहे हैं। उसी तरह की ये बात है। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव इस साल हम मना रहे हैं, 15 दिसंबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में SG हाईवे पे
600 एकड़ जमीन पे एक सांस्कृतिक नगरी खड़ी होगी। आज से वहां काम चालू है। आज जब मैं आपको बात कर रहा हूं तब हमारे 1500 से ज्यादा स्वयंसेवक पूर्णकालीन वहां सेवा कर रहे हैं और 25,000 से ज्यादा स्वयंसेवक ने एक महीने के लिए, दो महीने के लिए या तीन महीने के लिए सेवा में अपना नाम लिखवाया है। वहां 600 एकड़ में अभी जो दुबई में, अबुधाबी में आप ग्लो गार्डन्स देख रहे हो, ऐसे ग्लो गार्डन्स में प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन कार्य, उनके विचार, उनके संकल्प, उनका अनुभव, उनकी सद्भावनाएं, वो सब अच्छी तरह से प्रदर्शित होगी। वहां 5 बड़े प्रदर्शन होंगे। एक एक प्रदर्शन में 2,000 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे जर्मन डोम्स खड़े होंगे। फैमिली वैल्यूज पे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हैं, डी एडिक्शन पे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव पे हैं, प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन और कार्य उस पे हैं। वहां रोज कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, सभी की कॉन्फ्रेंसेस होगी। 30 से 40 एकड़ पे हमारी बाल नगरी खड़ी होगी। वो 1,000 से ज्यादा बच्चे उसका संचालन करेंगे। वहां एंटरटेनमेंट, एनलाइटनमेंट एंड एनरिचमेंट मिलेगा। भारत के 15 प्रदेश के सांस्कृतिक मतलब फोक डांसेस वहां सुबह नौ से शाम को 9 बजे तक चलते रहेंगे। देश प्रदेश से महानुभाव आएंगे। रोज शाम को 25,000 लोगों की सभा लगेगी। देश प्रदेश से ऐसे नामांकित लोग, विचारशील लोग, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया है, कुछ समाज को दिया है, ऐसे लोग हमारे वहां आके अपने विचार प्रदर्शित करके लोगों को समृद्ध करेंगे। ऐसा बड़ा ये उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी को निमंत्रण है हमारा। लेकिन ये बात मैंने इसलिए की कि प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संकल्प किया और सफलता तक पहुंच गए। वो संकल्प प्रमुख स्वामी महाराज का क्या था? भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से उन्होंने संकल्प किया, दूसरों की भलाई में हमारी भलाई, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष, अन्य के सुख में हमारा सुख, ये संकल्प लेके वे चले तो किस प्रकार की सफलता उन्होंने जीवन में पाई। 5 कक्षा तक वे पढ़े थे, अंग्रेजी का एक वाक्य नहीं बोल पाते थे। ये भगवे कपड़े में उन्होंने समाज की और देश की सेवा की। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज वन मैन ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति संस्था थे। ही वॉज अ वन मैन आर्मी। और एक व्यक्ति किस कक्षा की समाज सेवा कर सकता है भविष्य में? नॉट स्काई बट प्रमुख स्वामी इज द लिमिट। नॉट स्काई। आज और भविष्य में किसी को भी समाज सेवा करनी है तो प्रमुख स्वामी महाराज आदर्श है। क्यों? ये संकल्प तो उन्होंने किया, जो आज की बात का हमारा मुख्य विषय है, संकल्प से सफलता तक। संकल्प तो उन्होंने किया, अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। लेकिन वो संकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, दिस इज माई पॉइंट नंबर 3, संकल्प की पूर्ति के लिए प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है।